आपको अशोक जी ने बताया कि फ्रॉस्ट एंड फेदर इज द पार्ट ऑफ लॉस्ट रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड दिस कंपनी इज बेस्ड इन द सिटी ऑफ पुणे, और पुणे से हमारा पिछले 6 सालों से हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। पिछले 6 सालों से हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आउटलेट्स के थ्रू, हमारे अलग अलग ब्रांड्स के थ्रू हम लोगों तक अच्छे से अच्छा फूड और अच्छे से अच्छा खाना पहुंचा सके, और उसके साथ साथ लोगों को हमारे फ्रेंचाइजीज के जरिए, हमारे स्टाफ के जरिए जो है एम्प्लॉयमेंट के भी बहुत से जो मार्ग है वो खुल सके, इसी की हम जो है कोशिश कर रहे हैं। सो पिछले 6 सालों में अगर मैं लॉस्ट फूड रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की बात करूं तो 6 सालों के अंदर हमारे अभी 4 ब्रांड्स है, और 4 ब्रांड्स के 150 से भी ज्यादा आउटलेट्स आपको पूरे देश में मिल जाएंगे। लगभग 6 से 7 स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं, और लॉस्ट फूड रेस्टोरेंट्स के भी आउटलेट्स आपको बहुत से स्टेट्स में मिल जाएंगे। आज लॉस्ट फूड रेस्टोरेंट्स के 50 से भी ज्यादा आउटलेट्स जो है वो ऑनलाइन है, जिसमें आप हमारे क्लाउड किचन मॉडल्स, क्लाउड किचन के बेस के ऊपर लगभग 50% से ज्यादा, और बाकी कुछ रेस्टोरेंट मॉडल में हम जो है आउटलेट्स हमारे दे चुके हैं। और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रॉस्ट एंड फेदर के बिजनेस के तहत आप किस तरीके से अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में, और कैसे आप प्रॉफिट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेबिनार। तो सबसे पहली बात आती है किसी भी बिजनेस की कि इन्वेस्टमेंट कितना है। सबसे पहली बात, जब भी आप कोई बिजनेस करने जाते हैं तो आपका सबसे पहला इंटेंशन यही होता है कि आप ये जाने कि उस बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है। सो फ्रॉस्ट एंड फेदर के दो मॉडल्स हैं, दो बिजनेस मॉडल हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रीडोमिनेंटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली क्लाउड किचन मॉडल टुडे, बट कुछ चीजें मैं आपको रेस्टोरेंट मॉडल की भी बताऊंगा, क्योंकि आज हम हमारे सारे क्लाइंट्स को जो भी क्लाउड किचन मॉडल्स में हमारा फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हैं, वो सारे क्लाइंट्स को हम रेस्टोरेंट मॉडल का जो हमारा अपग्रेड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला है। मतलब आप अगर आज क्लाउड किचन की शुरुआत करते हैं और आगे जाकर अगर आपको आप इसको रेस्टोरेंट मॉडल में कन्वर्ट करना चाहे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी अपग्रेड चार्जेस के बगैर आप जो है इस को कन्वर्ट कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे रेस्टोरेंट मॉडल में। तो इसकी वजह से हम दोनों चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं रेस्टोरेंट मॉडल के बारे में भी आपको दूंगा। तो दो हमारे मॉडल्स हैं, दो रेस्टोरेंट, एक है रेस्टोरेंट मॉडल, दूसरा है क्लाउड किचन मॉडल। रेस्टोरेंट मॉडल का जो आपका इन्वेस्टमेंट जाता है लगभग 13 से 14 लाख रुपए का जाता है। तो ये जो 13 से 14 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट में आपकी सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, जैसे कि आपका इंटीरियर डिजाइन से लेकर आपके एक्सटीरियर तक, आपका सारा फर्नीचर, आपका सारा इक्विपमेंट, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती है। लेकिन ये 13 से 14 लाख रुपए के लिए आपको जो प्रॉपर्टी चाहिए वो प्रीडोमिनेंट, एक बहुत ही डोमिनेंट एरिया में, बहुत ही मार्केट एरियाज में आपको ये प्रॉपर्टी चाहिए होती है। क्योंकि जब हम रेस्टोरेंट मॉडल की बात करते हैं, रेस्टोरेंट मॉडल में आपका लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपको प्रॉपर्टी हाई स्ट्रीट्स में, आपको प्रॉपर्टी जो चाहिए होती है वो मार्केट एरियाज में चाहिए होती है, हाई स्ट्रीट में चाहिए होती है। ऐसे एरियाज में प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो भी ज्यादा होता है, लगभग 40-50 हजार रुपए आपका वहाँ पे रेंट भी होता है। और क्योंकि इंटीरियर डिजाइन का खर्चा होता है, आपका पूरा डाइनिंग का एक पूरा हमें एक अरेंजमेंट वहाँ पे करना पड़ता है, तो ये सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखें तो आपको अप्रोक्सीमेटली एक 13 से 14 लाख रुपए 400 स्क्वायर फीट तक के एरिया के लिए लग सकते हैं। तो ये रेस्टोरेंट मॉडल का हो गया। तो अगर हम क्लाउड किचन की बात करें तो क्लाउड किचन मॉडल और रेस्टोरेंट मॉडल में क्या डिफरेंस होगा? तो क्लाउड किचन मॉडल में हम सिर्फ होम डिलीवरीज करेंगे। क्लाउड किचन मॉडल में आपका पूरा जो रेस्टोरेंट, आपका जो पूरा बिजनेस है, इट विल बी बेस्ड अपॉन ओनली क्लाउड किचन। उसमें आपका सिर्फ होम डिलीवरीज किया जाएगा। आप जो भी आप इसमें यू नो आपका एक किचन सेटअप किया जाएगा, और उस किचन से आपका होम डिलीवरीज अलग अलग चैनल पार्टनर्स के थ्रू, अलग अलग हमारे होम डिलीवरी पार्टनर्स के थ्रू जो है वो मैनेज किया जाएगा। तो इसको क्लाउड किचन को शुरू करने के लिए हमें सिर्फ एक किचन सेटअप करना होता है, और वो किचन उस एरिया में सेटअप करना होता है जिस एरिया से हमें ज्यादातर ऑर्डर एक्सपेक्टेड है। और जब होम डिलीवरीज की बात आती है तो हम लोगों के घर में जाके डिलीवरीज करते हैं। जब लोगों के घर में जाके डिलीवरीज करनी है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल एरियाज में होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो कस्टमर है, वो कस्टमर है वो भी मेजॉरिटी रेसिडेंशियल एरियाज से आना है। तो हमें ज्यादातर जो बिजनेस है रेसिडेंशियल एरिया से मिलना है, तो इसलिए हमारा जो प्रॉपर्टी होगा वो भी बहुत ज्यादा हाई स्ट्रीट्स में, या फिर बहुत ज्यादा मॉल या बहुत ज्यादा मार्केट एरियाज जहाँ पे है, ऐसे जगह पे नहीं होगा, किसी मॉल्स में नहीं होगा। हमारा प्रॉपर्टी भी होगा रेसिडेंशियल एरियाज में।
ऐसे जगह पे आपको 150 स्क्वायर फीट तक का भी अगर प्रॉपर्टी आप मिल जाता है तो दैट इज इनफ टू सेटअप यू नो स्मॉल किचन क्लाउड किचन, क्योंकि वहां पे आपको ना किसी को कोई फूड सर्व करना है, वहां पे ना आपको किसी को कुछ भी है ना देना लेना है, आपका सिर्फ जो है होम डिलीवरीज वहां से कराना है, आपको सिर्फ वहां पे होम डिलीवरीज का अरेंजमेंट कराना है और फूड का प्रिपरेशन करना है। तो इसकी वजह से 100 से 150 स्क्वायर फीट का जगह आपके लिए इनफ हो जाता है, बड़े आसानी से आप उतने एरिया में जो है आपका काम बहुत ही इजीली आप वहां पे कर सकते हैं। तो ये आपका क्लाउड किचन का आपका एरिया हो गया, कैसा एरिया चाहिए ये भी मैंने बताया। और क्लाउड किचन का जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा लगभग 7.5 लाख रुपए। तो ये 7.5 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है, आप अगर इसको कंपेयर करेंगे रेस्टोरेंट मॉडल के साथ, तो रेस्टोरेंट मॉडल में आपका 1314 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है, यहाँ पे आपका 7.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लगभग आपका आधा इन्वेस्टमेंट इसमें कम हो जाता है। तो 7.5 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, आपका लायबिलिटी भी बहुत सा कम हो जाएगा, एग्रीमेंट टर्म आपका 5 साल का होगा, 5 साल के बाद आपका एग्रीमेंट रिन्यू किया जाएगा, रिन्यूअल पे आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते। तो इसका मतलब यू है कि आप ये जो एग्रीमेंट साइन करते हैं ये ऑटोमेटिकली आपका लाइफ टाइम एग्रीमेंट बन जाता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने 5 साल के लिए साइन किया और फिर 5 साल के बाद आपको ये क्या करना है, फिर उसमें रिन्यू करना है नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है, आप 5 साल के बाद भी इसको रिन्यू कर सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस रिन्यूअल के लिए नहीं लिए जाते। तो इसका मतलब ये है कि आप ऑटोमेटिकली इसको 5 साल बाद हर रिन्यू करते जाए आप ये लाइफ टाइम एग्रीमेंट जो है उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपका एग्रीमेंट ये है। पे बैक पीरियड जो आपका है वो लगभग 1 साल तक हमने कंसिडर किया है। तो पे बैक पीरियड का मतलब ये होता है कि आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है वो सारी इन्वेस्टमेंट आपके कितने समय में वापस आ रही है। आपने समझ लीजिए यहाँ पे अगर 7.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो ये 7.5 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं वो कितने समय में वापस आएंगे उसको हम कहेंगे पे बैक पीरियड। और यहाँ पे आपका पे बैक पीरियड है लगभग 1 साल का। उसके बाद आपका आर ओ आई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपका कितना परसेंट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये भी हम यहाँ पे समझेंगे, जो अप्रोक्सीमेटली 150% है। मैं इसको और भी इलेबोरेट करूंगा आगे जाके कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से आपका जो आर ओ आई है, जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका लगभग 150% बन जाता है। सो दैट्स अबाउट यू नो आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है इस प्रपोजल का, इस मॉडल का, ये इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। जो अभी इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट में सारी चीजें आपकी, जैसे मैंने पहले बताया, सारी चीजें आपकी इसमें इंक्लूडेड रहेगी, जिसमें आपका सारा मशीनरीज हो गया, आपका सारा फूड हो गया, सारा आपका इक्विपमेंट हो गया, आपको लगने वाला क्रॉकरी है, यूटिलिटी मटेरियल है, आपका किचन का फर्नीचर है, ये सारी चीजें जो है इसमें इंक्लूडेड है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको या कोई भी एक्स्ट्रा हिडन कॉस्ट आपको देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट के। Excuse me. तो ये नेक्स्ट अभी जो हमारा सेक्टर आता है वो है प्रॉफिट मार्जिन्स का। तो किसी भी बिजनेस को जब आप समझते हैं, किसी भी बिजनेस में जब आप एंटर करने जाते हैं, तो ये एक चीज ऐसी है जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन सही नहीं है तो आप चाहे कोई भी बिजनेस कर ले, आप डजंट मैटर आप कौन से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, डजंट मैटर वेदर यू आर वर्किंग इन फूड इंडस्ट्री और यू आर वर्किंग इन एनी अदर इंडस्ट्री, ऑल दैट मैटर्स इज कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, आपका बिजनेस कितना होने जा रहा है। अनलेस आपका यू नो मंथली बिजनेस 15-20 लाख के ऊपर है तो ही आपको शायद कम मार्जिन में भी आपका काम चल जाएगा। अदरवाइज अगर आपका बिजनेस महीने के 3-4-5 लाख के राउंड में रहने वाला है तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 30-40-50% के आसपास है तो आपको आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज इस तरीके के ओवरहेड्स बढ़ चुके हैं। आज हमारी कॉस्टिंग, हमारा मेंटेनेंस इतना बढ़ चुका है कि आज पहले जैसा सिनारियो नहीं रहा। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम ये भी आज जानेंगे कि किस तरीके से बिजनेस के मायने चेंज हो चुके हैं। मैं आपको कोशिश ये भी करूंगा कि आपको किस तरीके से मैं समझा पाऊँ कि आज बिजनेस में कौन सी चीजों का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो भी मैं आपको इसी इसमें, ये एक उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज बिजनेस के मायने बहुत चेंज हो चुके हैं। बिजनेस हैज चेंज्ड अ लॉट इन पास्ट 10 इयर्स। पहले यू होता था कि आपका रेंट 4-5 हजार तक होता था, आपको बड़े आसानी से अच्छी जगह पे प्रॉपर्टी मिल जाता था 5,000 में 6,000 में, और आपका जो सैलरी होता था बच्चों का आपका 2-3 हजार में आपके यहाँ पे आपको लोग काम करने के लिए मिल जाते थे। लेकिन आज अभी वैसा नहीं रहा है। आपको अगर आज अच्छी जगह पे ये करना है, आज अगर आपको अच्छा प्रॉपर्टी चाहिए अच्छी जगह पे अगर आपको बिजनेस करना है, तो आपको एटलीस्ट 40-50 हजार रुपए का रेंट देना पड़ेगा इफ यू आर वर्किंग इन रेस्टोरेंट मॉडल, राइट।
अगर आप क्लाउड किचन मॉडल में काम कर रहे हैं तो अगर आपको क्लाउड किचन शुरू करना है तो क्लाउड किचन के लिए आपको लगभग 10,000 से 12,000 रुपए का जो है वो रेंट पे करना ही करना है, राइट? सो ये चीज बहुत जरूरी है. आज सैलरी जो अगर आपको पे करनी है लोगों की, आपके यहाँ पे जो बंदे काम करेंगे उनकी सैलरी अगर आपको देनी है तो 10-12 हज़ार के नीचे कोई आपको काम करने को नहीं मिलेगा. सबका सैलरी 10,000 के ऊपर ही है, पहले 2-3 हज़ार में मिल जाते थे. आज ओवरहेड्स बहुत बढ़ चुके हैं. जो पहले होता था 10,000-15,000 का आपका महीने का खर्चा होता था, आज वैसा नहीं है. तो इसी चीज की वजह से आपको ये देखना आज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ये कैसे आप आपका बिजनेस मैनेज करेंगे. देखिए, एक एवरेज टर्नओवर तो सबको मिल जाएगा. आप अगर आपका खुद का भी रेस्टोरेंट खोलेंगे तो भी आपको, अगर आप अच्छा क्वालिटी सर्व कर रहे हैं, ऑब्वियसली क्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप अच्छा क्वालिटी सर्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिल ही जाएगा. आप 3 लाख तक का आपका बिजनेस, 2.5-3 लाख तक का बिजनेस आपका बड़े आसानी से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं. लेकिन 2.5-3 लाख का बिजनेस करने के बाद आपको ये समझना चाहिए कि 2.5-3 लाख का बिजनेस करने के बावजूद क्या आपका, आप प्रॉफिटेबल हैं, क्या आप कुछ कमा पा रहे हैं. और यही चीज आपकी डिपेंड करती है आपके प्रॉफिट मार्जिन पे. होता ही है कि अगर आपका बिजनेस एक आध महीने में कम हो गया तो आपका लैंडलॉर्ड आपको नहीं बोलना है कि भाई इसमें ना मुझे थोड़ा सा रेंट कम दे दे, राइट? अगर आपका बिजनेस एक आध महीने में कम हो गया, थोड़ा सा आपका फर्क पड़ गया, तो आपके यहाँ पे काम करने वाले लोग आपको नहीं कहेंगे कि इस महीने का सैलरी हमें कम दे दीजिए. आपका जो प्रॉफिट डिसाइडिंग फैक्टर होगा, ये फैक्टर आपका आपके प्रॉफिट मार्जिन ही है. ये आप जितना जल्दी समझ ले उतना ही, आप चाहे कोई भी बिजनेस हो, आपको उतना ही ये अच्छा होगा कि जितना जल्दी आप इसको समझ लेंगे. और इसी चीज की वजह से हम जब फ्रॉस्ट एंड फिदर के साथ आप काम करते हैं तो हमारे यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है ये मिनिमम आपका 75% होता है. ये कम से कम आपका प्रॉफिट मार्जिन है जो आपको और कहीं पे भी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, और कहीं पे भी आपको इससे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आपको कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिलेगा. 75% का मिनिमम प्रॉफिट है. और ये कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर ये प्रॉफिट मार्जिन और भी ज्यादा हो जाता है, जैसे कि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर आपका प्रॉफिट मार्जिन 90% से भी ज्यादा है. लेकिन मिनिमम 75% है, कम से कम 75%. अगर आप इसको भी एवरेज पकड़ ले तो, अगर मिनिमम को अगर आप एवरेज पकड़ते हैं तो भी आपका 25% का जो है वो फूड कॉस्ट बनता है. अगर आपका 75% का मार्जिन है तो आपका फूड कॉस्ट, आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया 25% का. तो 25% आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा. इसको और थोड़ा बेहतर समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ मेन्यू हमने लाया है. आप, ये हमारे ब्रांड का मेन्यू है. ये मैं पूरा एक्सटेंसिव मेन्यू यहाँ पे नहीं ला सका, लेकिन आई हैव ब्रिंग सम ऑफ यू नो सम ऑफ द मेन्यू विच विल मेक यू अंडरस्टैंड कि कौन से तरीके के प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे है, कौन से प्रोडक्ट है, क्या आप एग्जैक्टली सर्व करने जा रहे हैं, तो उसका एक रफ आइडिया और आपका प्रॉफिट मार्जिन का सही से समझ आने के लिए मैंने आपके यहाँ पे एक थोड़ा मेन्यू हमारा लाया हुआ है. सो ये मेनू आप यहाँ पे जो देख रहे हैं इसके ऊपर से मैं आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन समझाने की कोशिश करूंगा. जैसे ये पहला सेक्शन है, पहला सेक्शन में से कोई भी आप चीज पकड़ लीजिए, या चाहे ये व्हाइट फ्रोस्ट चॉकलेट पकड़ लीजिए. इसका कॉस्टिंग है 100 रुपए का. अगर 100 रुपए में ये व्हाइट फ्रोस्ट चॉकलेट आपका जा रहा है तो ये 100 रुपए का जो चॉकलेट है ये आपको मिल जाएगा 25 रुपए में. 25 रुपए में ये आपको मिलेगा और 100 रुपए में आप इसको बेचोगे, राइट? तो इसका मतलब ये है कि आप 75 रुपए, ये आपका प्रॉफिट यहाँ पे हो गया, राइट? 100 रुपए में आप रिटेल कर रहे हैं, 25 रुपए में आपको मिल रहा है, 75 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया, यानी कि 75%. सेम वे अगर इसमें, इसी प्रोडक्ट में से अगर आप कोई भी पकड़ ले जो ये 80 रुपए वाली अगर कोई चीज है, तो ये 80 रुपए की चीज आपको 20 रुपए में मिलेगी. आप इसको 80 में रिटेल करोगे, आप इसको 80 में बेचोगे, तो इसका मतलब है 60 रुपए आपको मिल रहे हैं, 60 रुपीज आपको मिल रहे हैं, विच इज अगेन 75% ऑफ योर टोटल, यू नो 75% ऑफ योर मार्जिन, राइट? नाउ इसके अलावा बाकी भी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे कुछ प्रोडक्ट के ऊपर आपका मार्जिन 90% से भी ज्यादा है, जैसे कि ये हॉट कॉफी है. ये हॉट कॉफी का सारा सेक्शन जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर का आपका जो एवरेज मार्जिन है वो 90% से भी ज्यादा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये कैपेचिनो की बात है तो 50 रुपए का जो आपका कैपेचिनो है, 50 रुपए में आप जो कैपेचिनो बेच रहे, ये 50 रुपए का कैपेचिनो आपको सिर्फ 5 रुपए में बच जाता है. यू मेक दिस इन 5 रुपीज एंड यू सेल इट फॉर 50 रुपीज, राइट? सो योर नेट प्रॉफिट इज 45 रुपीज, विच इज बिगर देन द ह्यूज. आपका 45 रुपीज का प्रॉफिट है 50 रुपए के चीज के ऊपर. इसका मतलब यू है कि आपका 90% से भी ज्यादा प्रॉफिट हो गया, राइट? 50 रुपए, कैन यू इमेजिन, आप 50 रुपए की जो चीज बेच रहे हैं वो आपको दरअसल सिर्फ 5 रुपए में मिली है.
और आप उसको 50 में बेच रहे हैं तो 45 रुपीज आपको मिल रहा है, राइट। इसके बाद आपका ये आयरिश रुपए चुनो है, ये भी दरअसल आपको सिर्फ 5 रुपए में बन जाता है। आपको ये 5 पे मिलेगा, आप इसको अगेन 70 में बेचोगे, 65 रुपीज विल बी योर प्रॉफिट। 70 की चीज पे आपका प्रॉफिट 65 रुपए है, यानी कि आपका प्रॉफिट 92-93% से भी ज्यादा आ रहा है। जैसे सेम वे आपका ये जो हॉट चॉकलेट का सेक्शन है इसमें भी आपका प्रॉफिट 90% से ज्यादा है, ये फ्रोस्ट शॉट है इसमें भी आपका प्रॉफिट 90% से ज्यादा है। सो ओवरऑल सारी चीजों में आपका जो प्रॉफिट है वो कम से कम 75% है और ज्यादा से ज्यादा लगभग 94-95%, राइट। सो ये आपका प्रॉफिट मार्जिन इस तरीके से वर्कआउट होता है। मैं ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि प्रॉफिट्स बताने के, प्रॉफिट्स को एक्सप्रेस करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, उस तरीके में ना फंसा जाए। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मैं आपको 75% का मार्जिन दे रहा हूँ और मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि मैं आपको जो है 300% का मार्जिन दे रहा हूँ। कैसे, मैं आपको कोई चीज 25 रुपए में दे रहा हूँ, तो अगर उस 25 रुपए की चीज को आप 50 रुपए में बेचोगे तो आपका 25 के ऊपर आपको 25 रुपए मिल गया, तो आपका 100% का मार्जिन हो गया। इसके ऊपर 25 की चीज को अगर आपने 75 में बेच दिया तो आपका 200% का मार्जिन हो गया, राइट, 200% का मार्जिन हो गया। अगर उस 25 की चीज को अगर आपने 100 में बेच दिया तो ऑटोमेटिकली आपका मार्जिन जो है वो 4 times हो गया, यानी कि 300% हो गया, राइट। लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ टेलिंग द मार्जिन बिकॉज इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि हम आपको 70 से लेके 100% तक का मार्जिन देंगे, 120% तक का मार्जिन देंगे। 100% का मार्जिन दिया ही नहीं जा सकता, ये आप कॉस्ट प्राइस के हिसाब से उसको कैलकुलेट करके देते हैं। तो सही क्वेश्चन, कोई भी बिजनेस करना चाहो आपको, आपका जो सही क्वेश्चन होना चाहिए किसी को भी पूछने के लिए वो ये होना चाहिए कि ये मार्जिन वार्जिन तो खैर ठीक है, आप ये पूछे कि आपका फूड कॉस्ट क्या है, आपको कितने रुपए में मिलने वाली है कोई चीज। अगर 100 में आप इसको बेचने वाले हैं तो आपको वो कितने रुपए में मिलेगी, ये देखना बहुत जरूरी है, राइट। सो आपको ये समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपका मार्जिन 75% का हम किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। आपको यूं बोला जाता है आपको 50 में कोई चीज दी जाएंगी और उस 50 की चीज को अगर आप 80 रुपए में बेचोगे तो आपको बोला जाएगा कि आप जो है 60% का मार्जिन आपको मिल रहा है। 50 रुपए का 5 रुपए हो गया 10%, 10 रुपए हो गया 20%, तो ऑटोमेटिकली जो आपका 30 रुपीज हो गया वो हो गया 60%। सो इस हिसाब से, यानी कि आपका अगर उसको उल्टा कैलकुलेट करेंगे तो 80 रुपीज की चीज आपको अगर 50 रुपीज में मिल रहे तो आपका फूड कॉस्ट कितना हो गया, आपका फूड कॉस्ट लगभग 65% हो गया। 65% का फूड कॉस्ट, यानी कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली सिर्फ और सिर्फ 35% का हुआ है। सो अगर 35% का आपका प्रॉफिट मार्जिन है तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसको आप और थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे इस अगली स्लाइड में, आप देखेंगे कि मैं इसके ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ। तो देखिए, ये इसी चीज को थोड़ा सा इलेबोरेट करने के लिए हमने ये टेबल बनाए हुए हैं जिसमें आप ये 3-4 कॉलम्स यहाँ पे देख सकते हैं इस टेबल में। चौथे कॉलम को हम 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन फर्स्ट 3 columns। द फर्स्ट कॉलम हैव द ब्रांड फैक्ट्स, जिसमें आपको ये चीजें बताई गई कि कौन सी आपके फैक्ट्स होंगे, कौन से आपके जो है एक्सपेंसेस होंगे, क्या चीजें होगी, ये सारा आपका पहले कॉलम में मेंशन है। दूसरे कॉलम में हम ये बताने जा रहे हैं कि हमारे, अगर आप फ्रॉस्ट एंड फेदर का फ्रेंचाइजी ना लेते हुए किसी और ब्रांड का फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। लगभग आपका 40% का प्रॉफिट मार्जिन होगा अगर आप किसी और ब्रांड के साथ फ्रेंचाइजी लेते हैं, और फ्रॉस्ट एंड फेदर के साथ अगर आप काम करते हैं तो कितना मार्जिन होगा, तो आपका 75% का मार्जिन होगा, राइट। सो 75% का मार्जिन आपका फ्रॉस्ट एंड फेदर के साथ है, 40% का मार्जिन आपका किसी और ब्रांड के साथ है। तो तीसरे कॉलम में आप फ्रॉस्ट एंड फेदर देख सकते हैं, दूसरे कॉलम में आप किसी और ब्रांड के साथ, हम कोई भी ब्रांड आप कंसिडर कर ले उसके साथ आपका जो है कंपेरिजन हम देखेंगे। तो लेट्स से अगर आपका 2 lakh rupees का एवरेज बिजनेस आ रहा है महीने का, मैं यहाँ पे क्लाउड किचन की बात कर रहा हूँ, तो क्लाउड किचन मॉडल में अगर समझ लीजिए 2 lakh rupees का महीने का बिजनेस आ रहा है। अभी पहला क्वेश्चन तो बहुत लोगों का ये हो सकता है कि क्या 2 lakh rupees का बिजनेस होता है, किस तरीके से होता है। तो 2 lakh rupees महीने का बिजनेस एक बहुत ही आसान बिजनेस है। 2 lakh rupees का अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं महीने का, तो 2 lakh rupees का बिजनेस करने के लिए आपको दिन का कितने का बिजनेस चाहिए, कितने रुपए का बिजनेस चाहिए? आपको अप्रोक्सीमेटली 7,000-8,000 rupees का बिजनेस करना है एक दिन का। हमारा जो एवरेज टिकट साइज होता है, टिकट साइज का से मेरा मतलब यू है कि हमारा जो एवरेज बिल साइज है, टिकट साइज यानी कि बिल का साइज, जो हमारा एवरेज टिकट साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 300 से 350 rupees का है। अगर आप 350 rupees का एवरेज टिकट साइज पकड़ते हैं तो आपका, अगर आप दिन भर में 20 bills भी कर रहे हैं, 25 bills भी कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस लगभग 8,000-9,000 के ऊपर जा रहा है,
राइट right? अगर आप 20 भी ऑर्डर्स दिन भर में कर रहे हैं, 20 ऑर्डर्स भी दिन भर में निकाल रहे हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली 7,000 से 8,000 रुपए का बिजनेस हो गया। अगर 7,000 रुपए का एक महीने का एक दिन का बिजनेस है, तो आपका साल महीने भर का बिजनेस हो गया 2,10,000 रुपए, राइट। सो 20 ऑर्डर्स दिन भर में निकालना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप एक प्लेटफॉर्म से निकाल लेते हैं। आपका एक जो प्लेटफॉर्म होगा जिसपे आपका होम डिलीवरी का प्लेटफॉर्म होगा, लाइक जोमेटो, स्विगी, उबर ईट्स, फूड पांडा, ये एक प्लेटफॉर्म से आप 20-25 ऑर्डर्स बड़े आसानी से दिन भर में निकाल लेते हैं, राइट। सो लेट्स कंपेयर दिस। अगर इसको और थोड़ा सा सही से समझने जाए तो क्या होगा कि अगर आप 20 ऑर्डर्स भी दिन भर का निकल रहे हैं, तो 7,000 रुपए का आपका बिजनेस रोज का आ रहा है, 2,10,000 से 2,20,000 रुपए का आपका महीने का बिजनेस है। अगर हम सिर्फ 2,00,000 रुपए का भी इसमें कंसिडर करते हैं, तो ये आप पकड़ लीजिए कि 2,00,000 का अगर आपका महीने का बिजनेस है, तो आपका फूड कॉस्ट कितना है, राइट। नाउ जब हम फूड कॉस्ट की बात करते हैं, तो फूड कॉस्ट क्या होगा कि आपका जो फूड कॉस्ट है वो दूसरे ब्रांड की केस में हमने यहाँ पे आपका मार्जिन पकड़ा है 40%, यानी कि आपका फूड कॉस्ट हो जाएगा 60%। आप अगर 60% का फूड कॉस्ट आपका है, तो 2,00,000 रुपए के टोटल बिजनेस के ऊपर आपका जो फूड कॉस्ट हो गया वो हो गया अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 से 1,25,000 रुपए। अगर 1,20,000 से 1,25,000 रुपए का आपका फूड कॉस्ट है 2,00,000 के टोटल बिजनेस के ऊपर, तो आपको कितना मिला, आपके पास बचा है सिर्फ 75,000 रुपीज, 75,000 से 80,000 रुपए, ये सिर्फ आपके पास बचे हुए है। आपका टोटल रेवेन्यू है 2,00,000 रुपए का, राइट। उसके बाद आपका होता है फूड वेस्टेज। फूड वेस्टेज यानी कि कैसा है, आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जब भी आप काम करते हैं, तो रेस्टोरेंट में आपको काम करने के वक्त आपको कुछ वेस्टेज कंसिडर करना पड़ता है। हो सकता है कभी आपका 5% वेस्ट हो सकता है कभी आपका 10% फूड वेस्ट हो। तो 10% के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हैं, तो 2,00,000 के टोटल रेवेन्यू के ऊपर आपका जो वेस्टेज है वो है 20,000 रुपए का। उसके बाद आता है आपका रेंट। तो रेंट आपका जो है वो है क्लाउड किचन का, क्योंकि ये क्लाउड किचन है तो आपका रेंट होगा लगभग 10,000 रुपए, क्योंकि हम रेसिडेंशियल एरियाज में, मैंने पहले भी ये चीज एक्सप्लेन की है कि हम, क्योंकि हम रेसिडेंशियल एरियाज में जो है वो प्रॉपर्टी ढूंढने वाले हैं, रेसिडेंशियल एरियाज में हम प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है मेजॉरिटी बेस्ड है हमारे क्लाउड किचन मॉडल पे, यानी कि हमारे होम डिलीवरी मॉडल पे, जो हमें लोगों के घरों पे ही डिलीवर करना है। क्योंकि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज होगी, तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज होने के कारण आपका जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली जो है आपका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपका रेंट जो है वो बहुत कम हो जाएगा, तो वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 का होगा। उसके बाद आता है आपका लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट जो आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज का लेबर कॉस्ट मैंने कैसे कंसिडर किया है, तो 10,000 रुपीज का लेबर कॉस्ट कंसिडर करने के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक लेबर कंसिडर किया है, हमने एक लेबर पकड़ा। अभी आप बोलेंगे एक लेबर में कैसे होगा, तो सर 95% मैं फ्रॉस्ट एंड फेदर की बात कर रहा हूँ, 95% तक हमारी जो सारी चीजें आपके यहाँ पे आएगी वो प्रिपेयर्ड फॉर्म में आएगी। प्रिपेयर्ड फॉर्म में आएगी तो आपका जो है बहुत कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत ज्यादा प्रिपरेशन वहां पे आपको नहीं करनी है, बहुत ज्यादा आपको वहां पे बहुत सारी पे नहीं, और जो भी प्रिपरेशन करनी है वो सिर्फ सुबह आपको करनी है। सुबह आते ही आपका बंदा सारी प्रिपरेशन कर देगा, और उसके बाद दिन भर उसको जो है वो ऑर्डर्स डिलीवर कर रहे हैं, राइट। सो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है 2,00,000 रुपए का बिजनेस। 2,00,000 रुपए के बिजनेस के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमें लगभग 15 से 20 ऑर्डर्स दिन भर में चाहिए। अगर हमारे ऑर्डर्स दिन भर के 20 ऑर्डर्स से ज्यादा नहीं है, यानी कि आपका जो रेवेन्यू है महीने का वो 2,00,000 से अगर ज्यादा नहीं है, तो 20 ऑर्डर्स दिन भर के एक बंदा बड़े आसानी से निकाल लेता है, बड़े आसानी से, उसको कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। एक भी अगर बंदा है तो एक भी शेफ, अगर एक भी बच्चा आपके यहाँ पे काम कर रहा है, तो वो एक आदमी आपका दिन भर का 20 ऑर्डर्स बहुत ही आराम से निकाल लेता है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको एक बंदा चाहिए, जब तक कि आपके रेगुलर ऑर्डर्स, डेली ऑर्डर्स अगर 20 तक है तो आपका एक बंदा चाहिए। हाँ, अगर आपके ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं तो आपका रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, 2 की जगह पे आप 2.5 हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो उस समय आपको दूसरा बंदा जो है लाने की जरूरत पड़ती है। यानी कि अगर आपका दिन भर का ऑर्डर का जो फ्रिक्वेंसी है वो 20 ऑर्डर्स से ऊपर निकल जाए, 20-25-30 ऑर्डर्स का हो जाए, या फिर 20 के ऊपर निकल जाए, सो देन ओनली यू नीड अनदर पर्सन टू हेल्प, यू नो, हेल्प योर शेफ। तो उसकी उसके वक्त आपका सैलरी का जो बजट है वो बढ़ जाएगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग कि जब तक आपका बिजनेस 2,00,000 रुपए का है, यू ओनली नीड अ वन गाय, राइट, ओनली नीड अ गाय। तो आपको सिर्फ एक बंदे की जरूरत पड़ेगी जिसका सैलरी लगभग 10,000 रुपए का होगा। इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आपका हो जाएगा लगभग 5,000 रुपए, और आपका जो बाकी सारा खर्चा है वो सारा कुछ पीटी एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सी चीजें होती है, इंटरनेट का बिल है और कुछ है, सारा कुछ खर्चा हो जाएगा 5,000 रुपए। वो सारा खर्चा निकालने के बाद आपके पास कितना बच रहा है,
आपका नेट प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ 25,000 रुपए, मात्र 25,000 रुपए। ये क्यों हुआ? आपने रेवेन्यू कितना गैदर किया, आपने रेवेन्यू कितना जनरेट किया, आपने महीने भर में 2,00,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है, और 2,00,000 रुपए के रेवेन्यू में आपने सिर्फ और सिर्फ आपने कमाए हैं मात्र 25,000 रुपए। 25,000 रुपए आपके पास है, यानी कि आपके टोटल रेवेन्यू का सिर्फ और सिर्फ 10-12%, राइट? एम आई राइट? आपका टोटल रेवेन्यू 2,00,000 रुपए है और आपको मिल रहा है 10% एज योर प्रॉफिट। यही चीज आपको समझनी है। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका फूड कॉस्ट जो है वो 60% है। आपका फूड कॉस्ट इस केस में 60% है, यानी कि 60% तो आपका फ्रेंचाइजर लेके चला गया फूड के नाम पे। आपके पास सिर्फ बचा 40%, और उस 40% में आपको ये सारे एक्सपेंसेस जो है वो बियर करने हैं। आपका रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेस्टेज, ये सारा कंसिडर करने के बाद आपके पास बचता है सिर्फ 25,000। और इस सेम सिनारियो है, 2,00,000 रुपए का आपका बिजनेस है, सेम आपका रेंट होगा, सेम लेबर कॉस्ट होगा, ये सारे सिनारियो को अगर आप फ्रॉस्ट एंड फेदर के साथ कैलकुलेट करने जाएंगे तो देखिए आपका भी क्या है। लेट्स से कि अगर 2,00,000 रुपए का आपका बिजनेस है तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पे जो मिल रहा है वो है आपका फूड कॉस्ट। यहाँ पे आपका फूड कॉस्ट है सिर्फ 25%। आपका जो यहाँ पे मार्जिन है वो है 75% का, और 2,00,000 रुपए के बिजनेस पे अगर आपको 75% का मार्जिन मिल रहा है तो इसका मतलब यू है कि आपका फूड कॉस्ट है 2,00,000 रुपए के ऊपर सिर्फ 25%, जो है आपका 50,000 रुपए। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपको इधर ही देखने को मिलता है, फूड कॉस्ट। 2,00,000 रुपए का आपका अगर टोटल रेवेन्यू होता है तो आपको फूड पे खर्चा करना होता है सिर्फ 50,000। 1.5 लाख आपको मिला है, जो कि पहले ब्रांड के केस में आपको सिर्फ 75,000 मिल रहा था, यहाँ पे आपको उससे दुगना मिल रहा है, 1.5 लाख, क्योंकि आपका फूड कॉस्ट सिर्फ 25,000 रुपए है, राइट? सो ये हो गया आपका फूड कॉस्ट, 25,000 रुपए आपका फूड, 50,000 रुपए आपका फूड कॉस्ट हो गया, 25%, और 1.5 लाख रुपए आपके पास बचा। नाउ वी कम टू फूड वेस्टेज। आप जब फ्रॉस्ट एंड फेदर के साथ काम कर रहे हैं तो हमारा गारंटी है कि आपका कोई भी फूड कभी भी वेस्ट नहीं होगा, राइट? आपका 0% वेस्टेज का गारंटी हम आपको देंगे। 0% वेस्टेज का गारंटी होगा फ्रॉस्ट एंड फेदर के फ्रॉस्ट एंड फेदर की तरफ से। यानी कि अगर कभी कभार आपका कोई फूड वेस्ट भी हो जाता है तो दैट विल बी यू नो फ्रॉस्ट एंड फेदर विल गिव यू द इन्वेस्ट द रिप्लेसमेंट फॉर दैट वेस्टेज। आपका पूरा रिप्लेस हो जाएगा, आपका पूरा फूड जो है रिप्लेस हो जाएगा अगर आपका कुछ वेस्टेज भी जाता है। डे टू डे बेसिस पे भी आपका कोई चीज वेस्ट नहीं होगा। ये कैसे होगा एग्जैक्टली, ये कैसे वर्कआउट करेगा ये मैं आपको बताऊंगा जब वंस यू आर ऑन बोर्ड विद अस, देन ओनली वी विल टेल यू अबाउट दिस। उससे आपको ये पता होगा, ये कंसिडर कर सकते हैं कि आपको 0% वेस्टेज का गारंटी है, यानी कि 2,00,000 रुपए के टोटल रेवेन्यू के ऊपर आपका वेस्टेज तो 1 रुपए का भी नहीं होने देंगे। तो ये वेस्टेज निकल गया। उसके बाद सारे फैक्टर्स हमने सही पकड़े हैं, रेंट उतना ही पकड़ा है, लेबर कॉस्ट उतना ही पकड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट उतना ही पकड़ा है, और बाकी सारे एक्सपेंसेस जाने के बाद यहाँ पे अब आपके पास बच रहा है 1,20,000 रुपए नेट। आपने टोटल रेवेन्यू किया था 2,00,000 रुपए का, जिसमें से आपके पास नेट प्रॉफिट बच रहा है 1,20,000 रुपए, विच इज एक्चुअली बिगर देन द ह्यूज। इतना प्रॉफिट मार्जिन आपको कहीं और नहीं मिलेगा, और इस प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे आपका जो नेट मार्जिन है, जो ग्रॉस मार्जिन आपको 75% का मिल रहा है, और आपका जो नेट मार्जिन जा रहा है, नेट मार्जिन जा रहा है, इट इज ऑल्सो मोर देन 60%, राइट? सो दिस इज द वे वी कैलकुलेट योर मार्जिन, दिस इज द वे वी गिव आप यू नो कस्टमर्स मार्जिन। अभी ये जो दूसरा कॉलम हमने देखा है दूसरे ब्रांड के केस में, किसी और ब्रांड का अगर भी है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2,00,000 के बिजनेस के ऊपर आपको मिल रहा है 25,000 रुपए। और अगर एक आध महीने में आपका ये 2,00,000 का जो बिजनेस है, ये 2,00,000 का बिजनेस अगर हो गया, समझ लीजिए 1.5 लाख का बिजनेस है, कभी कभार कम ज्यादा हो सकता है, तो अगर 50,000 रुपए का आपका बिजनेस कम हो गया, 1.5 लाख का हो गया, तो उसके बाद तो आपको आपकी जेब में से डालना पड़ेगा, राइट? क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा है। और सेम चीज अगर फ्रॉस्ट एंड फेदर के केस में आती है, अगर फ्रॉस्ट एंड फेदर के केस में भी अगर आप 2,00,000 की जगह पे 1.5 लाख का बिजनेस कर लेते हैं, तो उस 1.5 लाख के बिजनेस में आपको कितना मिल रहा है, 82,000 रुपीज एज अ नेट प्रॉफिट, विच इज अगेन ऑलमोस्ट 60% ऑफ योर टोटल रेवेन्यू, राइट? तो आपके टोटल रेवेन्यू के 60% आपका यहाँ पे भी प्रॉफिट है। अगर आपका जो रेवेन्यू है 2 के जगह पे कभी 1.5 भी हो जाता है तो भी आपका प्रॉफिट जो है वो 82,000 रुपीज है, फिर भी आप जो है यहाँ पे लगभग 60,000 रुपीज बचा रहे हैं, 60% बचा रहे हैं,
right? So this is how Frost and Feather ke, this is how we work when it comes to business with our franchisee. So is tarike ka aapka profit margin jo hai, is tarike se aapka profit margins work out kiya jayega. So ye aapka cloud kitchen ke bare mein hua. To cloud kitchen jaise maine pehle shuru mein bataya tha ki bahut se hamare jo client honge to wo sirf cloud kitchen ke liye hi nahi honge, wo bahut se aise bhi log honge jinhein कुछ समय के बाद अपना क्लाउड किचन रेस्टोरेंट मॉडल में अपग्रेड करना है, और क्योंकि फ्री अपग्रेड है, क्योंकि हम आपसे कोई भी चार्जेस नहीं ले रहे अपग्रेड के, ये फ्री अपग्रेड आपको दिया जाएगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रेस्टोरेंट मॉडल के बारे में भी समझना जरूरी है. तो इस अगले टेबल में हम थोड़ा सा इस सेम सिनारियो को रेस्टोरेंट मॉडल में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या फर्क पड़ता है जब आप फ्रॉस्ट एंड फेदर के साथ काम करते हो और क्या फर्क पड़ता है जब आप किसी और ब्रांड के साथ काम करते हो. तो इस टेबल में आप देख सकते हैं सेम फैक्ट्स आपको दिखेंगी. यहाँ पे सिर्फ हमने बिजनेस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा कंसीडर किया है, क्योंकि रेस्टोरेंट मॉडल है तो आपका बिजनेस अप्रोक्सीमेटली रेस्टोरेंट मॉडल में आप यू समझ सकते हैं कि लगभग 3-4 लाख तक का एवरेज बिजनेस आपका होता है. मैंने मिनिमम भी यहाँ पे अगर 3 लाख हम कंसिडर करते हैं तो ये 3 लाख रुपए का जो आपका ये बिजनेस है, इस 3 लाख रुपए के बिजनेस में आपका फूड कॉस्ट कितना आएगा, ये आएगा आपका 60% किसी और ब्रांड के साथ आप काम कर रहे हैं तो 60% का फूड कॉस्ट, यानी कि 1,80,000 का तो सिर्फ आपका फूड हो गया. उसके बाद आपका वेस्टेज 20,000. नाउ यहाँ पे आप रेस्टोरेंट मॉडल में आपको एक अच्छा रेस्टोरेंट ओपन करना है तो आपका लोकेशन बहुत मैटर करता है. तो जहाँ पे आपका क्लाउड किचन का रेंट कम होता था, यहाँ पे रेंट आपका थोड़ा सा ज्यादा होगा. ऑब्वियसली बात है, रेंट ज्यादा होगा लेकिन बिजनेस भी ज्यादा होगा, तो रेस्टोरेंट मॉडल में आपका बिजनेस भी बढ़ेगा. तो रेंट आपका होगा अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपए का, क्योंकि आप अच्छा लोकेशन अगर आपको चाहिए और आज आप बड़े शहरों में जाते हैं कहीं पे जाते हैं तो आपका जो एवरेज रेंट है लगभग आपका 40,000-30,000 के ऊपर ही होता है. अगर हम 50,000 भी कंसिडर करते हैं तो 50,000 यहाँ पे हमने रेंट कंसिडर किया. हमारा लेबर कॉस्ट 3 लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी, 3 लोगों का सैलरी हमने कंसिडर किया यहाँ पे 30,000 रुपीज. नाउ अदर कॉस्ट सारे बाकी पेटी एक्सपेंसेस हो सकते हैं. सारा खर्चा जाने के बाद आपके पास कितना बचता है? 3 लाख रुपए का आपने रेवेन्यू किया था, सारा खर्चा जाने के बाद अभी आपके पास बच रहा है सिर्फ 5,000 रुपए, राइट? यानी कि आपने टोटल रेवेन्यू 3 लाख का करने के बाद आपके पास 2% भी नहीं बच रहा है आपके नेट प्रॉफिट. और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका फूड कॉस्ट है 60%. और इस सेम सिनारियो को आप देख सकते हैं फ्रॉस्ट एंड फेदर में. ये इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका फूड कॉस्ट कितना इंपॉर्टेंट है. आपको ये समझ ये और इस टेबल को आप किसी भी बिजनेस के लिए कंसिडर कर सकते हैं. आप इस टेबल को देख के कोई भी बिजनेस एनालाइज कर सकते हैं, चाहे आपका में हो, रेस्टोरेंट में हो, आप फर्नीचर का कर रहे हो, या चाहे आप कोई और चीज बेच रहे हो, डजंट मैटर, आपको ये टेबल हर जगह पे काम आएगा. 3 लाख रुपए का बिजनेस है, आपका मार्जिन कितना है इसे कैलकुलेट करने जाएंगे हर बार तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि आपको कैसे है, कैसे जो है वो प्रॉफिट बनाना है, राइट? अभी सेम चीज हम फ्रॉस्ट एंड फेदर के बारे में देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि अभी फूड कॉस्ट कितना मैटर कर रहा है. जो यहाँ पे 1,80,000 का हुआ करता था, यहाँ पे 75,000 का, राइट? तो 1,05,000 रुपए तो आपके स्ट्रेट अवे बच गए. 20,000 रुपए का आपका वेस्टेज था वो यहाँ पे बच गया, क्योंकि दी ऑफर यूज सारे फैक्टर्स सिमिलर कंसिडर करने के बावजूद भी अगर 3 लाख रुपए का आपका टोटल रेवेन्यू है, 3 लाख रुपए का अगर आपका बिजनेस हो रहा है महीने का, तो आपको फ्रॉस्ट एंड फेदर के साथ बच रहे 1,30,000 रुपए, विच इज एक्चुअली 45% ऑफ योर टोटल रेवेन्यू. योर नेट प्रॉफिट्स आर 45% ऑफ योर टोटल रेवेन्यू व्हेन इट कम्स टू रेस्टोरेंट मॉडल, और वो भी मिनिमम बिजनेस के केस. आपका 3 लाख का बिजनेस ज्यादा ही बिजनेस होगा, आपका बिजनेस 4-4.5 तक आपका बिजनेस जाएगा, लगभग मैक्सिमम 5-5.5 तक जाता है, और एवरेज अगर आप कंसीडर करते हो तो 4 लाख तक का जाता है. और जब आपका एवरेज 4 लाख का बिजनेस होता है तो आपका यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट जो है वो लगभग 55-60% चला जाएगा. यहाँ पे आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना जा रहा है? आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट जा रहा है लगभग 45% जब आपका बिजनेस मिनिमम है. मिनिमम यानी कि आपका 3 लाख का बिजनेस है, ये बहुत कम हमने ऑलरेडी कंसिडर किया. 3 लाख का बिजनेस होने के बाद आपके पास 1,30,000 रुपए बच रहा है, जो दूसरे केस में आपके पास सिर्फ 5,000 रुपए बच रहा था. और डिफरेंस दोनों में क्या है? सिर्फ और सिर्फ फूड कॉस्ट का. तो इसीलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप जो चीज बेच रहे हैं उस चीज के ऊपर आपको कितना मार्जिन मिल रहा है, जो चीज आप बेच रहे हैं उसके ऊपर आपको क्या, क्योंकि
महीने के आखिरी में आपको यही एक चीज है जो आपको पैसा बना के देगी, ये आप अच्छी तरीके से समझ ले। देखिए कैसा है कि मैं यहाँ पे आज बैठा हूं, मैं आपको बैठ के ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, आपको बिजनेस बता, क्योंकि मुझे दो, आप यहाँ पे बैठ के आप बिजनेस करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको दो पैसा कमाना है। हम हमारा अल्टीमेट जो इस ये बिजनेस करने का अल्टीमेट मोटिव जो है वो है कि महीने के आखिर में हर कोई कुछ ना कुछ कमाना चाहता है। आपको दो पैसा कमाना है इसलिए आप इस बिजनेस में आए हैं, ये बिजनेस करना चाह रहे हैं ये, या फिर कोई और भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, राइट। सो उसकी वजह से आपको ये फैक्टर्स समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा वो फैक्टर होगा जो मुझे प्रॉफिटेबल बनाएगा। आपको बताते वक्त ये बताया जाएगा कि भाई आपका 10 लाख का बिजनेस होगा, 10 लाख के बिजनेस के ऊपर आपको 30% का मार्जिन देंगे, फिर आपको 3 लाख मिलेंगे, उसमें से आपका रेंट जाएगा, सैलरी जाएगा, सब जाने के बाद आपके पास 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट बचेगा। तो भाई साहब 10 लाख का बिजनेस हो, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। आपको 10 लाख का अगर कोई भी बताएगा, प्रोजेक्शन देगा कि भाई आपका 10 लाख का बिजनेस होगा, तो ये सारा कुछ जो है एक तरीके से, पूरी तरीके से एक झूठ है। 10 लाख का बिजनेस नहीं होता। आपका रेवेन्यू जो है, जब आप इस तरीके के बिजनेसेस में हैं, आपका रेवेन्यू महीने का 5-5.5 लाख तक जाएगा। ये भी मैक्सिमम हो गया, 5.5 लाख भी एक रेयर केस है जब आपका रेवेन्यू, मतलब जब आपको आपका मतलब बहुत ही अच्छा लोकेशन है, बहुत ही एक्सट्रीमली सक्सेसफुल वेंचर है, तभी आपका जो है लगभग जाता है 5.5-5 तक। आपका एवरेज बिजनेस होगा 4 लाख का व्हेन इट कम्स टू रेस्टोरेंट मॉडल, और आपका एवरेज बिजनेस होगा लगभग 3-3.5 लाख का व्हेन इट कम्स टू क्लाउड किचन मॉडल, राइट। सो रेस्टोरेंट मॉडल का आपका रेवेन्यू जो होगा वो एवरेज 4-4.5 का होगा। आप अगर कोई भी बिजनेस के बारे में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका बेयर मिनिमम जो है बिजनेस है उसके ऊपर आपको आपके प्रॉफिट कैलकुलेट करने चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हमने मिनिमम 3 लाख रुपए भी पकड़ा तो भी आपका जो है 1,30,000 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है। सेम अगर 40% का मार्जिन आपको मिल रहा है तो आपका 5,000 रुपए बन रहा है 3 लाख के बिजनेस के ऊपर। यहाँ पे अगर ज्यादा बिजनेस हो गया, अगर आपका एक आध महीने में बिजनेस 2 लाख का हो गया तो आपको तो आपके जेब में से डालना है, लेकिन फ्रॉस्ट एंड फेदर के केस में अगर आपका बिजनेस 2 लाख का हो जाता है तो भी आपको 80,000 रुपए नेट प्रॉफिट में मिल रहा है, यू कैन रेफर द फूड कॉलम, राइट। सेम सारी चीजें हैं, फिर भी आपको 80,000 रुपए का नेट प्रॉफिट मिल रहा है अगर आपका 2 लाख का टोटल रेवेन्यू है। तो इस तरीके से आपका जो है बिजनेस का रेवेन्यू वर्कआउट होता है, इस तरीके से आपका आरओआई जनरेट होता है। समझ लीजिए अगर क्लाउड किचन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो एवरेज अगर 1,20,000 रुपए का आपका रेवेन्यू आ रहा है महीने का, अगर हम 1 लाख रुपए का भी पकड़ते हैं तो 6-7 महीने में आपका जो है पूरा इन्वेस्टमेंट वापस निकल जाता है। यहाँ पे 6-7 ना पकड़ते हो, अगर आप 9 महीने भी पकड़ते हैं, 1 साल भी पकड़ते हैं तो भी आपका पेबैक पीरियड 1 साल से ज्यादा नहीं होता, राइट। इसका मतलब क्या है कि आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था वो 1 साल में रिटर्न आ गया। और अभी ये कितना परसेंट हो गया, 1 साल के में अगर अगर कोई भी बिजनेस में किया हुआ इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर 1 साल के अंदर अंदर पूरा वापस आता है तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया 100% पर एनम। अगर आपका 6 महीने में पूरा इन्वेस्टमेंट वापस आता है तो आपका आरओआई हो गया 200% पर एनम। क्योंकि यहाँ पे 6-7, 7-8 महीने में आ रहा है, हम अगर 9 महीना भी कंसिडर करते हैं तो भी आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा एवरेज 150%। सो दिस इज द वे वी कैलकुलेट ROI, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तो ये हो गया प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, नाउ बाकी चीजों के बारे में भी थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूंगा। लाइक वी सेड अर्लियर, वी आर ओपन टू एक्सपैंड पैन इंडिया, हर जगह पे हमारे आउटलेट्स आ रहे हैं और पूरे इंडिया में कहीं पे भी सर्व कर सके ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारा रेडी है। वी कैन यू नो सर्व फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री टू द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, हम कहीं पे भी सब, कन्याकुमारी में तो हमारा आउटलेट आ भी रहा है और साथ में हिमाचल प्रदेश में भी हमारा आउटलेट जो है उसका काम फाइनल स्टेजेस में है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक और इधर महाराष्ट्र से लेके साउथ ईस्ट में अभी अरुणाचल प्रदेश में हमारा काम जो है फाइनल स्टेजेस में आ रहा है। तो पूरे देश में सर्व कर सके इस तरीके की हमारे पास है। सो वी आर ओपन फॉर एक्सपेंशन पैन इंडिया, आप कहीं पे भी हो। आज भी साउथ इंडिया में हमारे बहुत से फ्रेंचाइजीज हैं, सेंट्रल पार्ट में भी हमारे बहुत से फ्रेंचाइजीज हैं, नॉर्थ इंडिया में अभी लखनऊ में विद इन नेक्स्ट 1 मंथ हमारा फ्रेंचाइजी ओपन हो रहा है। मैंने पहले भी बताया कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले 1-2 हफ्ते में हम ओपन कर रहे हैं। सो दिस इज द वे यू नो वी आवर एक्सपेंशन इज गोइंग ऑन। नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है कि
क्या क्या सपोर्ट आपको मिलेगा फ्रेंचाइजर की तरफ से अगर आप फ्रॉस्टन फेदर के साथ काम करते हैं, तो कौन से वो फैक्टर्स होंगे, कौन से वो सपोर्ट होंगे जिसके ऊपर आपको फ्रेंचाइजर के ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेटअप से लेके आपके ट्रेनिंग तक, आपके रिक्रूटमेंट तक, आपके सारे मटेरियल के और रॉ मटेरियल के सोर्सिंग तक सारा कुछ फ्रॉस्टन फेदर देखने वाला है। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करने के लिए लेट्स से यहाँ पे आता है हमारा सेटअप का। अगर हम सबसे पहला पार्ट देखें तो आपका चाहे क्लाउड किचन है या फिर चाहे आपका रेस्टोरेंट है, तो दोनों भी केसेस में आपका जो भी सेटअप है, चाहे इंटीरियर डिजाइन का रेस्टोरेंट है तो आपको इंटीरियर डिजाइन है, फर्नीचर्स है, सारा कुछ आता है। अगर आपका क्लाउड किचन है तो आपका क्लाउड किचन में सारी बाकी किचन का सेटअप आता है। ये सारा फ्रॉस्टन फेदर की तरफ से किया जाएगा। यानी कि आपको किसी भी सेटअप में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी चीज में जो है इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, ये सारा कुछ फ्रॉस्टन फेदर करेगा। आपके हाथ में हम रेडी पोजिशन के साथ आपकी चाबी दे सकते हैं कि आप किस तरीके से जो है ये, यानी कि अगर आपका प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल गया आपको एक बार, तो वो पोजीशन मिलने के बाद हम आप हमें वो पोजीशन दे, हम विदिन, अगर आपका क्लाउड किचन है तो विदिन 3 to 4 weeks, अगर आपका रेस्टोरेंट है तो विदिन 40 days हम आपका सारा सेटअप जो है वो रेडी करके देंगे। उसके बाद इस सेटअप से मेरा मतलब यूँ है कि आपकी सारी चीजें आ गई, इसमें आपके इक्विपमेंट्स आ गए, आपके अप्लायंसेस आ गए, आपका इंटीरियर डिजाइन का सारा काम आ गया, आपका फर्नीचर आ गया, आपका सॉफ्टवेयर आ गया, आपका हार्डवेयर आ गया, आपकी सारी चीजें इसमें आ गई। आपको कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पूरा सेटअप हमारी तरफ से मैनेज किया जाएगा। नाउ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, ये एक बहुत अहम मुद्दा होता है, कहना होता है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत लोग जाने से इसलिए डरते क्योंकि भाई लेबर का प्रॉब्लम है, लेकिन लेबर का प्रॉब्लम आपको यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारा रिक्रूटमेंट, सारा ट्रेनिंग हमारी तरफ से किया जाएगा, पूरा रिक्रूटमेंट हमारे जिम्मे रहता है, पूरा स्टाफ हम आपको देंगे। इसका मतलब यू है कि आपका अगर कोई भी कोई स्टाफ रिप्लेस करके भी चला जाता है तो भी नया रिप्लेसमेंट भी हमारी तरफ से आएगा। अगर छोड़ के भी चला गया कोई, सॉरी, अगर आपका कोई स्टाफ छोड़ के चला जाता है तो उसका रिप्लेसमेंट भी ब्रांड की तरफ से आपको दिया जाएगा। आपको स्टाफ के लिए कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं, कहीं पे जाने की आप हमारे साथ एसोसिएटेड है, आप जब तक हमारे पास साथ काम कर रहे हैं इस पूरे समय में फ्रॉस्टन फेदर की तरफ से ही स्टाफ का रिक्रूटमेंट किया जाएगा। आपको स्टाफ की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं रहेगी। अगर कभी कोई बंदा छोड़ के जाता भी है तो जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको वो बंदा छोड़ के जाने के बाद उसका 7 दिन के अंदर अंदर रिप्लेसमेंट भी मिल जाएगा। तो आपका पूरा स्टाफ हमारे जिम्मे रह जाएगा। तो ये हो गया आपके स्टाफ के बारे में, यानी कि आपको स्टाफ की भी जो है वो चिंता करने की जरूरत नहीं। रॉ मटेरियल, अभी रॉ मटेरियल का जो सप्लाई है पूरा एक खुद की हमारी ट्रांसपोर्ट चेन है, हमारा खुद का सप्लाई चेन है, उसके तहत ये पूरा मैनेज किया जाएगा। पैन इंडिया, चाहे आप कहीं पे भी हो, आपका सारा सप्लाई ब्रांड की तरफ से मैनेज किया जाता है, पूरा सोर्सिंग हमारी तरफ से किया जाता है। पूरा जो ओवरऑल लगने वाली आपकी रॉ मटेरियल की चीजें हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका पिज्जा के लिए लगने वाला डोव है, या पिज्जा के लिए लगने वाला आपका जो फ्लोर है, या फिर आपका डेजर्ट्स आइटम है, या फिर आपके और भी कुछ चीजें हैं, तो ये सारी चीजें आपको आपके डोर पे सप्लाई की जाएगी ब्रांड की तरफ से। सिर्फ एक या दो ही ऐसी चीजें हैं जो आपको लोकली जो है सोर्स करनी पड़ती है, लोकली खरीदनी पड़ती है, जिसमें आपका आता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेजिटेबल्स, तो ये एक ऐसी चीज है कि आपको रोज की रोज फ्रेश खरीदनी पड़ती है फॉर द ऑब्वियस रीजन कि आप रोज को रोज खरीदना है, आपको रोज फ्रेश खरीदना है, या फिर आप यूँ कहें कि हफ्ते में 2 बार आपको खरीदना है, तो उसकी वजह से वो एक चीज ऐसी है कि जो आपको लोकली सोर्स करनी पड़ती है, लोकली आपको लेनी पड़ती है। अदरवाइज बाकी सारी चीजें आपको ब्रांड की तरफ से आपके डोर पे सप्लाई की जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि हम ट्रेन में डालेंगे या बस पे डालेंगे और आपको बोलेंगे कि भाई निकाल लो, उतार लो, फिर बिल्टी नंबर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कुछ नहीं। आपका सारा आपके डोर पे सामान आएगा, आपको बिल्कुल इसमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया आपके जो है सप्लाई के बारे में और सोर्सिंग के। इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस के बारे में पहले मैंने पहले ही पॉइंट में बताया था, सप्लाई सेटअप के पॉइंट में, कि आपका जो पूरा इक्विपमेंट और अप्लायंसेस है ब्रांड की तरफ से सोर्स किए जाएंगे। नाउ ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है मार्केटिंग का, तो इस मार्केटिंग को एक्सप्लेन करते हुए मैं मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन, ये सारी चीजें साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, एक दो लूंगा मार्केटिंग एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मार्केटिंग आपके बिजनेस का एक बहुत ही अहम हिस्सा है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको मार्केटिंग करना है, कोई भी समझ लीजिए, कोई भी अगर आपको रेस्टोरेंट चलाना है तो आपको मार्केटिंग तो करना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है। आपका पहला सेक्शन है
लोकल मार्केटिंग का आपका दूसरा सेक्शन है आपके सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग का। जो सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग है वो पूरा ब्रांड की तरफ से मैनेज किया जाता है, वैसे दोनों सेक्शन ब्रांड की तरफ से मैनेज किए जाते हैं, मैं डिटेल में आपको बता ही रहा हूँ। लेकिन लोकल मार्केटिंग का ब्रांड सॉरी सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग का सारा खर्चा भी जो है वो भी ब्रांड की तरफ से किया जाता है, आपको एक रुपए भी खर्चा करना नहीं होता। सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग है से लेके इंस्टाग्राम तक आपके सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपके मार्केटिंग्स होंगे, ये सारा है ये ब्रांड की तरफ से किया जाएगा। सेंट्रल का ब्रांड मैनेज करेगा, फंड करेगा, फंडिंग भी हमारी तरफ से होगी, सारा ऑपरेशंस भी हमारी तरफ से होगा, सारा मैनेजमेंट ओवरऑल जो है ब्रांड की तरफ से देखा जाएगा। नाउ दूसरा पार्ट आता है लोकल मार्केटिंग। अभी सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग जो मार्केटिंग है ये पूरा सभी हमारे आउटलेट्स के लिए होता है। ये होता है कि सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग ये किसी डेडिकेटेड आउटलेट के लिए नहीं होता, ये पूरे ब्रांड के लिए होता है, ब्रांड के जितने आउटलेट्स के लिए उसका फायदा होता है। लेकिन अगर आपको इफेक्टिव लोकल मार्केटिंग कराना है तो वो आपको आपके इंडिविजुअल आउटलेट के लिए कराना पड़ेगा। तो उस इंडिविजुअल आउटलेट्स के लिए हम किस तरीके से लोकल मार्केटिंग कर पाएंगे, तो इसी को समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूंगा। अभी इसको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, एक आप अगर रेस्टोरेंट मॉडल में काम कर रहे हैं, दूसरा अगर आप क्लाउड किचन मॉडल में काम कर रहे हैं। तो जब अगर आप रेस्टोरेंट मॉडल में काम कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट मॉडल में हम क्या करते हैं कि अगर आपका आपने जिस एरिया में आपने रेस्टोरेंट शुरू किया है, हम क्या करते हैं आपके रेस्टोरेंट में हर महीने हम कुछ ना कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। ये इवेंट हर महीना अलग अलग एज ग्रुप के लिए होता है, कभी ये इवेंट जो है वो बच्चों के लिए होगा, कभी कपल्स के लिए होगा, कभी फैमिलीज के लिए होगा, कभी अलग अलग एज ग्रुप के लिए होगा, कभी स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो मान लीजिए अगर कभी कभार आपका जो ये बच्चों के लिए अगर है तो क्या होगा, आपके आजू बाजू में आपके एरियाज में जो भी बच्चे रहते हैं, डे केयर्स है, प्री स्कूल्स है, सोसाइटीज है, उनके थ्रू हम बच्चों को इन्वाइट करेंगे आपके यहाँ पे एक छोटे से इवेंट के लिए, एक छोटे से पेंटिंग कॉम्पिटिशन के लिए या फिर छोटे से स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए। बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ आना पड़ेगा, मैंडेटरी होगा, बच्चे उनके पेरेंट्स के साथ आएंगे। हर महीना ये इवेंट होता है, अलग अलग एज ग्रुप के लिए होता है, और आने वाले हर बच्चों को हम फ्री में स्नैक्स देंगे। हमें पता है कि कौन सी एज ग्रुप को क्या सर्व करना है, पेरेंट्स को क्या देना है, बच्चों को क्या देना है, हम सारी चीजें फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यही नहीं, पार्टिसिपेंट्स को जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं बच्चे हैं उन्हें हम फ्री हमारे ब्रांड्स की कुछ गिफ्ट्स देंगे, जैसे फ्री मर्चेंडाइज हो गए, हमारे ब्रांड्स के कैप हो गए, टी शर्ट्स हो गए, या फिर हमारा और कुछ चीजें हो गई, बैंड्स हो गए, ये सारी चीजें फ्री में गिफ्ट दी जाएंगी। और इस इवेंट से, इस कॉम्पिटिशन में एक या दो बच्चे जो जीतेंगे उन्हें हम एक फ्री ट्रिप स्पॉन्सर कर देंगे। आजू बाजू में जो कोई आपका वाटर पार्क है या एडवेंचरस पार्क है आपके शहर के पास में, जो भी हो अच्छा एक्टिविटी सेंटर है, वहां पे हम उन्हें जो है एक दिन का ट्रिप स्पॉन्सर कर देंगे। जैसे अगर पुणे में है या मुंबई में है तो हम एक्वाई मैजिका या एसएल वर्ल्ड भेज सकते हैं। अगर आप दूसरे किसी शहर में तो आपके शहर के पास में जो वाटर पार्क होगा, एडवेंचरस पार्क होगा, बहुत से आज हर जगह पे ऐसे कुछ ना कुछ रिजॉर्ट्स है, तो वहां पे हम उसको भेजेंगे। तो इस तरीके से उनका फ्री ट्रिप स्पॉन्सर किया जाएगा। ये सारे इवेंट का खर्चा आपका 25,000 से 30,000 से ज्यादा नहीं होता। और अगर 25,000 का ये पूरा खर्चा आ रहा है आपका एक इवेंट का, तो ये खर्चा ब्रांड और आप आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करते हो, राइट? तो ये खर्चा भी आपको अकेले को नहीं करना पड़ता, इसमें से आधा खर्चा जो है वो ब्रांड करता है और आधा खर्चा जो है वो आप करते हो, राइट? तो इस तरीके से आपका जो है लोकल मार्केटिंग का भी खर्चा जो है ये ब्रांड आधा शेयर कर लेते हैं। और ये जो इवेंट है इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, तो ये पूरा इवेंट भी ब्रांड की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये पूरा इवेंट भी हमारी तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसका मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इसका ऑपरेशंस, उसका इनवाइट से लेके इसका सक्सेसफुल करने तक का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांड का है। फ्रेंचाइजी को इसमें कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, या फिर कोई भी आपको हेडेक इसमें नहीं है, आपको कोई भी काम नहीं है, सारा क्रैम ब्रांड की तरफ से किया जाता है। सो दिस इज द वे वी डील विद मार्केटिंग एक्टिविटीज। नाउ ये हो गया रेस्टोरेंट मॉडल्स के लिए। नाउ अभी जब क्लाउड किचन का है तो क्लाउड किचन में तो इवेंट्स नहीं हो सकते, तो उस वक्त क्या किस तरीके से लोकल मार्केटिंग किया जाएगा? तो इसमें एक अहम इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका डिजिटल मार्केटिंग वो तो होना ही है, सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग से ही वो कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका लोकल मार्केटिंग अगर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो क्लाउड किचन में हमारे जो भी हमारे डिलीवरी पार्टनर्स है, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, फूड पांडा है, या फिर उबर इट्स है, अभी फूड पांडा नहीं है लेकिन उबर इट्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है उनके साथ हमारे प्रीमियम टैब्स होते हैं। देखिए, इन ब्रांड्स के साथ आप रेगुलर टैब्स भी कर सकते हैं और इन ब्रांड्स के साथ आप प्रीमियम टैब्स भी कर सकते हैं। रेगुलर टैब्स में आपको पैसे देने नहीं होते,
एक्सक्यूज मी, लेकिन अगर आप अगर आप प्रीमियम टाइप्स कर रहे हैं तो इसमें आपको कुछ चार्जेस देने होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर जोमेटो है तो जोमेटो में आपको अलग अलग टाइप्स के टाइप मिलते हैं. एक होता है आपका कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का टाइप है, गोल्ड मेंबर का टाइप है, उसके बाद आपका यहाँ पे यू नो होम पेज का टाइप है. तो इस टाइप्स में क्या होता है कि अगर आप जोमेटो के साथ कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का टाइप करते हैं, इसका फी लगभग मेरे ख्याल से कुछ 40,000 से 50,000 का है 6 महीने का. तो ये टाइप जब आप उनके साथ करते हैं तो इस टाइप्स में क्या होता है, जोमेटो आपको इस टाइप के बदौलत आपको जोमेटो जब भी आप जोमेटो ऐप में जाएंगे और कोई कस्टमर आपका जाएगा कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का सेशन ओपन करेगा तो आपका आउटलेट जो है वो होम पेज पे दिखेगा. किसी को वो आपका आउटलेट उस ऐप में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली होम पेज पे दिखेगा. सेम वे अगर आप जोमेटो के साथ टाइप कर रहे हैं गोल्ड मेंबर का, तो गोल्ड मेंबर के टाइप में भी सेम चीज टाइप कर लीजिए, ओपन करेंगे जोमेटो ऐप गोल्ड मेंबर ओपन करेंगे सेक्शन तो आप होम पेज पे दिखेंगे. सेम चीज होंगी आपका होम पेज टाइप का. आप अगर होम पेज यानी कि अभी इसमें ऐप ओपन करके आपको ना गोल्ड मेंबर में जाना है ना आपको कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी में जाना है, आपको ऐप ओपन करके सीधा सीधा है आपको ऐप ओपन करना है और आप सीधा सीधा होम पेज पे आ जाएंगे. इसके जो खर्चा होता है लगभग होम पेज टाइप का मेरे ख्याल से कुछ सवा लाख रुपए का चार्जेस है. कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का लगभग 40,000-45,000 का है, या फिर आपका जो गोल्ड मेंबर का है लगभग 60,000 का है. ये सारा टाइप का जो खर्चा होता है वो खर्चा भी हम आधा करते हैं, वो भी हम आधा खर्चा करके आपका जो है पूरा एक्सपेंसेस उसमें निकाल देते हैं. तो इससे क्या होता है, जब रेगुलर टाइप से अगर आपको 5 से 6 ऑर्डर्स आनी है एक प्लेटफॉर्म से, तो ऐसे टाइप्स करने के बाद आपका ऑर्डर का जो फ्लो है वो बहुत बढ़ जाता है. जहां पे आपको दिन भर में 7-8 ऑर्डर आएंगी, वहां पे आपको प्रीमियम टाइप्स के बाद एक प्लेटफॉर्म से दिन भर में 20 से 25 ऑर्डर आएंगे. और ऐसे हिंदुस्तान में अभी 3 से 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म है. तो ऐसे हर प्लेटफॉर्म के साथ टाइप किया जाएगा और उस हर प्लेटफॉर्म के टाइप का जो चार्ज है जो कॉस्ट है वो भी आधा आधा शेयर किया जाएगा. तो इस तरीके से आज के टाइम में हम बहुत ही इफेक्टिव मार्केटिंग जो है वो कर सकते हैं. तो ये मार्केटिंग के बारे में हो गया. ऑपरेशन मैनुअल यानी कि पूरा जो है आपका ट्रेनिंग किया जाएगा. ऑपरेशन मैनुअल्स के हिसाब से आपका जो स्टाफ है उनका पूरा रोल जस्टिफाई किया जाएगा, आपका क्या रोल होगा, ये सारा कुछ आपको ट्रेनिंग के दरमियान तो बताया जाएगा ही जाएगा. और साथ में आपको एक ऑपरेशन मैनुअल भी दिया जाएगा जिसमें ये सारी चीजें जो है वो लिखी हुई रहेगी, जिसमें आप देख सकेंगे कि किस तरीके से आपको मैनेज करना है, ऑपरेट करना है. एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशंस, अगेन मैंने पहले ही बताया था कि मार्केटिंग में ही मैंने ये सारी चीजें आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दी है. तो ये सारा हमारे ब्रांड्स के बारे में हो गया. उसके बाद कुछ अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स है जो ब्रांड को अलग अलग लेवल पे अभी तक मिल चुके हैं, जिसमें वर्ल्ड बिजनेस कॉन्क्लेव में ब्रांड को नॉमिनेट किया गया था यू नो अंडर हॉस्पिटैलिटी, बेस्ट ब्रांड अंडर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में. उसके बाद ये एशिया पैसिफिक लेवल का नॉमिनेशन था, ये सिर्फ इंडिया लेवल का नहीं था, नेशनल लेवल का नहीं था, ये एक एशिया स्पेसिफिक इंटरनेशनल लेवल का नॉमिनेशन था. उसके बाद सेम कॉन्क्लेव में आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर इन ग्लोबल लीडरशिप फॉर बिजनेस एक्सीलेंस. सो हालांकि हमें अवार्ड तो नहीं मिल पाया, लेकिन वी वर नॉमिनेटेड एट अ पार्ट की हम इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारा नॉमिनेशन हुआ पहले 5 ब्रांड्स में, और दैट वाज आल्सो अ काइंड ऑफ एन अचीवमेंट. उसके बाद कुछ सर्वेज अलग अलग कंपनीज के कंडक्ट किए हैं जिसमें क्या कहा गया है ब्रांड के बारे में, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. जैसे कि एक फ्रैंकॉप है, यूएस जॉइंट है, उस फ्रैंकॉप के एक सर्वे के अनुसार आप बोला गया है कि Frost & Feather is amongst top 35 fastest growing companies in India. जो 2018 के बाद जितनी भी कंपनी स्टार्ट हुए स्टार्टअप हुए हैं सारे स्टार्टअप में वी आर अमॉन्गस्ट टॉप 35 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज. इकोनॉमिक इंडिया के एक सर्वे के अनुसार 2025 तक Frost & Feather विल बी इंडियाज मोस्ट डोमिनेंट कैफे चेन. सो ये कुछ अवार्ड्स है या फिर आप कह सकते हैं कुछ अचीवमेंट्स है हमारी. उसके बाद किस तरीके के पार्टनर्स हम ढूंढ रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको इस फील्ड का एक्सपीरियंस हो, ये जरूरी नहीं है कि आप इस फील्ड में बहुत दिनों से काम कर रहे हो या फिर आपने कभी रेस्टोरेंट चलाया हो. आपको सिर्फ हम इतना चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट का कैपेसिटी है हो और आपका थोड़ा सा जो है बिजनेस एक्विन हो, दैट्स इट एंड यू आर गुड टू गो. क्योंकि बाकी सारी चीजें जो है वो Frost & Feather की तरफ से मैनेज की जाएंगी. नाउ ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रेजेंटेशन का कि अगर आप Frost & Feather का फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हैं और अगर आप इस साल 2020 में अगर आप Frost & Feather का फ्रेंचाइजी लेते हैं, बुक करते हैं, तो आपको Frost & Feather की तरफ से हमारा एक दूसरा ब्रांड जो हमारा चाय का ब्रांड है चाय टपरी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका फ्रेंचाइजी दिया जाएगा
जिसका अदरवाइज इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपए का है। तो एक 8 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट का ब्रांड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा जिसका नाम है चाय टपरी और वो एक टी कियोस्क होगा। अभी क्या होता है कि इंडिया में आप अगर चाय के लिए एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलेंगे और लोगों को बोलेंगे कि आइए और 50, 60, 70, 80 रुपए की चाय पीजिए तो कोई नहीं आएगा। हिंदुस्तानी लोगों को वो टपरी वाली चाय पसंद है जो 10 रुपए में मिलते हैं, जो दिन भर में वो 4-5 बार पीते हैं, राइट। और उसके लिए भी किसी के पास समय नहीं होता कि जाए कहीं पे बैठे और खाए। आपको बाहर के बाहर वो टपरी पे ही चाय खड़े होते हैं और वहां के वहां पी के ही वहां से निकल जाते हैं। सो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये कॉन्सेप्ट लाया हुआ है और उस टपरी को, ये एक तरीके का टपरी ही होगा लेकिन ये एक 5-स्टार टपरी होगा, राइट। उसका क्वालिटी, उसका जो हाइजीन लेवल है, ये बहुत ही अलग लेवल का होगा। हमारा जो क्वालिटी होगा फूड का, ये भी बहुत ही बढ़िया होगा। हमारा जो क्वालिटी होगा चाय का, ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी होगा। तो उसी की वजह से आप इसके ऊपर पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं। और ये इसमें इसका फायदा ये है, इस बिजनेस का, इस टी कियोस्क का फायदा ये है कि आप अगर आप सोचेंगे कि आपका एक रेगुलर टपरी वाला कितना कप चाय बेचता है एक दिन में, तो नॉर्मली आप 1000 से 2000 कप चाय वो बड़े आसानी से बेच देता है, राइट, अगर अच्छे लोकेशन पे है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिर्फ 500 कप भी कंसिडर करते हैं कि आप अगर सिर्फ 500 कप भी चाय दिन भर में बेच रहे हैं, तो आप महीने भर का 1.5 लाख रुपए का रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रहे हैं। और क्योंकि हम सिर्फ 10 रुपए का चाय कंसिडर कर रहे हैं, 500 कप भी आप बेचेंगे तो दिन भर में 5000 रुपए का चाय हो जाएगा, राइट। हम उसी रेट में चाय बेचेंगे जिस रेट में एक रेगुलर टपरी वाला बेचता है, लेकिन हमारा क्वालिटी उससे कहीं ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप 500 कप भी बेचते हैं तो 1.5 लाख रुपए का आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जिसमें से आपका नेट प्रॉफिट, आपको रेंट तो देना ही नहीं है क्योंकि आप ये टपरी जो है, ये जो हमारा कियोस्क है, ये कियोस्क आप आपके फ्रॉस्ट एंड फेदर के आउटलेट के बाहर ही डालेंगे। आप ये फ्रॉस्ट एंड फेदर के आउटलेट के फ्रंट में ही 10-15 फीट का अगर आपके पास जगह होगा, वहीं पे आप जो है ये कियोस्क शुरू करेंगे। तो इसी की वजह से आपका जो रेवेन्यू है वो लगभग 1.5 लाख का हो जाएगा। रेंट देना नहीं है, सिर्फ एक बच्चे का सैलरी और फूड कॉस्ट है। और सारा खर्चा निकालने के बाद आप बड़े आराम से 80 से 90 हजार रुपए नेट प्रॉफिट इस कियोस्क से जो है वो बना सकते हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा करना नहीं है, सिवाय आपको ये कियोस्क सिर्फ आपको बनाना है, जिसके लिए आपको 30-40 हजार रुपए लगेंगे। लेकिन इस ब्रांड का अदरवाइज इन्वेस्टमेंट लगभग 8 लाख रुपए, तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट का ब्रांड मिल रहा है। नाउ आपके ये कुछ फोटोज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये हमारे कुछ आउटलेट्स के फोटोज है, एग्जिस्टिंग आउटलेट्स के, अलग अलग शहर, अलग अलग राज्य के फोटोज है। जैसे आप देख सकते हैं सदर्न पार्ट्स में, कुछ तमिलनाडु में है, कुछ राजस्थान, कुछ कर्नाटका में है, महाराष्ट्र के है। ये कुछ फोटोज हैं। नाउ ये कुछ हमारे प्रोडक्ट्स के फोटो हैं। तो क्योंकि थोड़ा प्रोडक्ट्स के बारे में बताना थोड़ा सा रह गया, मैं 2 मिनट में प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसा है कि आप फ्रॉस्टेड फिदर में आएंगे, फ्रॉस्टेड फिदर के पास आप तो आपको हर कैफे में आज पिज्जा मिलता है, बर्गर मिलता है, सारी चीजें मिलती है। तो फ्रॉस्ट एंड फेदर में और हमारे बाकी कैफेज में और फ्रॉस्ट एंड फेदर में क्या डिफरेंस है, ये चीज मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो सबसे पहला फर्क जो है, एक एक चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला फर्क, अगर मैं पिज्जा, बर्गर, सैंडविचेस या फास्ट फूड की बात करूं, तो सबसे पहला जो हमारा फर्क है वो आता है हमारे बेकिंग के मेथड से। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फोटो में आप ये वुड फायर्ड ओवन यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो वुड फायर्ड ओवन है, ये वुड फायर्ड ओवन आपका हमारे हर आउटलेट पे रहेगा और ये एक बहुत ही ऑथेंटिक तरीका है पिज्जा और बाकी चीजें बेक करने का, चाहे आपका बर्गर्स का बन हो या फिर सैंडविचेस हो। मैं सैंडविचेस बेक करने की बात यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे सैंडविचेस है जिसको बेक किया जाता है और जिसको बहुत ही अलग तरीके से जो है बनाया जाता है, और साथ में पिज्जाज भी। नाउ क्योंकि यहाँ पे आप ये ओवन देख सकते हैं, इसका ये ओवन एक नॉर्मल ओवन से बहुत ही डिफरेंट है। नॉर्मल ओवन जो आपका होता है वो इलेक्ट्रिक ओवन होता है। नाउ जब सबसे पहली बार पिज्जा बना होगा इटली में, मेरे ख्याल से कुछ 16वीं 15वीं सदी में, तो क्या उस समय पे ओवन्स थे, इलेक्ट्रिक ओवन्स थे? नहीं, उस समय पे लोगों के यहाँ पे ये भट्टी जैसे ही ओवन रहते थे, ये सारे वुड फायर्ड ओवन ही रहते थे। और इसी ओवन में जो है सबसे पहले बार पिज्जा ईजाद हुआ। तो ये जो पिज्जा है, ये ऑथेंटिकली अगर आपको बनाना है, ऑथेंटिक वे से अगर आपको बनाना है, तो आपका सबसे सही तरीका जो होगा ये पिज्जा बनाने का, ये होगा वुड फायर्ड ओवन का। और इसी वुड फायर्ड ओवन को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वुड फायर्ड ओवन में आपका पिज्जा जो है हमारा इसी में बेक होगा।
नॉर्मल ओवन में आपका 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, अगर बड़ा ओवन है तो ज्यादा से ज्यादा 250 से 300 डिग्री सेल्सियस का रहेगा, लेकिन वुड फायर ओवन में आपका टेम्परेचर मैक्सिमम 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक का जाता है और आपका बेकिंग जो है लगभग 800 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जहां पे नॉर्मल पिज्जा को बेक होने के लिए एक 7 से 8 मिनट लगता है, आपका पिज्जा इस ओवन में सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के अंदर अंदर बेक हो जाता है। अब जो मैं फोटोज आपको दिखा रहा था हमारे प्रोडक्ट्स के, जिसमें आप ये देखिए, इस फोटो में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पिज्जा है, इस पिज्जा के पीछे देखिए लकड़ियां जलती हुई दिख रही है। दिस इज एक्चुअली अ वुड फायर ओवन एंड दिस इज अ रियल फोटो ऑफ आर आउटलेट, जिसमें आप ये ओवन देख सकते हैं, इसके अंदर ये लकड़ियां जल रही है और इससे ही ये पिज्जा बन रहा है। तो इसमें एक बहुत ही ऑथेंटिक फर्क आता है। बहुत से लोग आप जानते होंगे कि गैस पे बना हुआ खाना और चूल्हे पे बना हुआ खाना, मिट्टी के चूल्हे पे बना हुआ खाना, इसमें जो अंतर है वही सेम अंतर आपको ये पिज्जा में और इलेक्ट्रिक ओवन में बने हुए पिज्जा में मिलेगा। एक्सक्यूज मी आई एम सॉरी। तो यही आपको अंतर जो है ये दो पिज्जाज में मिलेगा। ये एक बहुत ही ऑथेंटिक तरीका है, इससे बना हुआ जो पिज्जा रहता है बहुत ही स्मोकी फ्लेवर आता है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है और इसकी वजह से आपको बहुत ही अलग एक्सपीरियंस मिलता है। तो पहली चीज तो हमने चेंज कर दी कि हमने बेकिंग का तरीका ही बदल दिया। रेगुलर तरीके से ये तरीका बहुत ही अलग है और बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल भी है, और आपको उसी की वजह से जो यहाँ पे पिज्जा देखने को मिलेगा ये बाकी जगह से बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी मिलेगा। साथ में ही हमारे कुछ सैंडविचेस भी है जो इसी ओवन की वजह से हमें बहुत वैरायटी के साथ खेलने की जो है चांस मिल जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे बनने कुछ इटालियन सैंडविचेस बनते हैं जो एक बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है और शायद ही हिंदुस्तान में आपको और कहीं पे मिलेगा। यहाँ पे हम इटालियन सैंडविचेस को हम बेक करते हैं रॉ डो में ही, स्टफिंग करके उसको बेक करते हैं ताकि आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिले, अलग ही सॉसेस मिले। और सिर्फ बेकिंग का ही तरीका हमने नहीं बदला है, हमारे यहाँ पे हमने हिंदुस्तानी पैलेट्स के हिसाब से जो है चीजों को डिजाइन किया है, इस फास्ट फूड को डिजाइन किया है। मैं एक बात बताना आपको भूल गया कि मिस्टर संजीव कपूर इज ऑन बोर्ड विद अस एज अ चीफ कंसल्टेंट फॉर द फूड रेसिपीज, और संजीव कपूर को आप सब लोग तो जानते ही हैं। तो संजीव कपूर जी की ही किचन से बहुत सी रेसिपीज आई है जिसमें हमने इंडियन पैलेट्स एक डेवलप किया है, इंडियन पैलेट के हिसाब से हमने इस फास्ट फूड को डेवलप किया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जैसे आपने इंडियन चाइनीज सुना, जो हिंदुस्तान में चाइनीज मिलता है ये चाइनीज चाइना में नहीं मिलता, ये चाइना का चाइनीज नहीं है, दिस इज इंडियन चाइनीज, ये पूरी तरीके से हिंदुस्तान में ईजाद हुआ और हिंदुस्तान के ही पैलेट के हिसाब से इसमें चेंजेस करके ये चीजें जो है आपको आज हम खा रहे हैं। उसी तरीके से हमने इस फास्ट फूड को इंडियन पैलेट के हिसाब से डिजाइन करने की कोशिश की है। जैसे कि अगर पिज्जा है तो रेगुलर पिज्जा के साथ साथ हमारे यहाँ पे कुछ इंडियन स्टाइल में भी पिज्जा बनते हैं, जैसे कि तंदूरी चिकन पिज्जा हो गया या फिर बटर चिकन पिज्जा है, या अगर वेज में आप पसंद करते हैं तो पनीर बटर मसाला वाला पिज्जा है आपके पास, पनीर दो प्याजा पिज्जा है आपके पास, वेज गलौटी पिज्जा है। तो ये अलग अलग पिज्जा के टाइप आपको मिलते हैं जो इंडियन पैलेट के हिसाब से आपके डिजाइन किया गया है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूँ, अगर आपका बटर चिकन पिज्जा है तो एक्चुअली बटर चिकन का एक सॉस और बटर चिकन बना के पिज्जा के ऊपर स्प्रेड किया जाता है और उसके साथ वो चीज का सारा कॉम्बिनेशन होता है, और जब आप इसको टेस्ट करते हो तो वो एक अलग ही दुनिया में आपको लेके जाता है, एक पिज्जा वेस्टर्न आइटम्स और हिंदुस्तानी पैलेट्स में, हिंदुस्तानी तरीके। क्योंकि हमें आप जब स्पाइसी बताते हो इंडियन लोगों को, अगर आप स्पाइसी बताओगे कि ये चीज मुझे स्पाइसी चाहिए, तो स्पाइसेस का मतलब हमारे यहाँ पे सिर्फ मिर्च नहीं होता, हमारा स्पाइसी का मतलब सिर्फ मिर्च नहीं होता, हमारे यहाँ पे अलग अलग बहुत ही खूबसूरत मसालों का कॉम्बिनेशन होता है और ये आपको पिज्जाज में तो मिलता नहीं है। आपको अगर स्पाइसी पिज्जा चाहिए तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ हैलोपिनोज ऐड किया जाएगा, कुछ आपके पास पेपर ऐड किया जाएगा, या फिर आपका पेपरिका ऐड किया जाएगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप उस पर चिली फ्लेक्स डालोगे, उससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं है। लेकिन हिंदी हमारे लोगों को, हम हिंदुस्तानियों को स्पाइसेस का मतलब उतना ही नहीं है, हमारे यहाँ पे स्पाइसेस के अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं, नॉर्थ इंडिया में अलग, सदर्न पार्ट्स में अलग, हर जगह पे अपना अपना एक रिच कल्चर है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने हिंदुस्तानी पैलेट्स के हिसाब से उसी स्पाइसेस का यूज करके बहुत ही अलग टाइप्स के और ऑथेंटिक वेज में हमने पिज्जाज आपके लिए बनाए हैं। सिर्फ पिज्जा ही नहीं, इसी टाइप स्टाइल में आपको बहुत से सैंडविचेस मिलेंगे, बर्गर्स मिलेंगे, पूरा फास्ट फूड का रेंज कंप्लीटली डिफरेंट वे आपको मिलेगा, और साथ में आपको डेजर्ट्स की भी बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटीज आपको मिलेगी। जैसे कि आप कुछ और वैरायटीज के फोटोज भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे,
जैसे कि ये हमारे कुछ बहुत ही टेस्टी चॉकलेट ड्रिंक्स है जो आपको बहुत ही कम जगह पे जहाँ जहाँ पे ये हमारे आउटलेट्स है जहाँ जहाँ पे ये ड्रिंक्स हम सर्व कर रहे हैं वहाँ पे लाइनें लगती है इस चीज़ों के लिए, स्पेशली यंग क्राउड्स में ये बहुत ज़्यादा फेमस है, और मिड एज पर्सन में और ओल्ड एज लोगों में ये सारी ड्रिंक्स बहुत पसंद किए जाते हैं, जिसको हम मस्तानी कहते हैं। ये बड़ा ही फेमस आइटम है पुणे का, जिसमें रियल फ्रूट से ये सारी मस्तानी बनती है और इसमें बहुत ही यूनिक फ्लेवर्स हमारे पास है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज प्रेजेंटेशन। मुझे लगता है मैंने को बिजनेस टू बिजनेस भी हमारे क्या यूएसपीज और क्या सारी चीजें सारी कुछ एक्सप्लेन किया है। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। लेकिन इसके बाद हम एक छोटा सा क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन करेंगे। सो आई एम डन विद ऑल द प्रेजेंटेशन। तो क्वेश्चन एंड आंसर के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। अशोक जी, ओवर टू यू। थैंक यू अक्षय जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। डियर पार्टिसिपेंट्स, अभी हमने जिस ब्रांड का प्रेजेंटेशन देखा है, ब्रांड का नाम है फ्रॉस्ट एंड फीदा, जो कि इंडिया का एक वेल नोन एंड ग्रोइंग फास्ट